हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल सुख अकेडमी एडुअल। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले 20 क्वेश्चन कर लिए थे, ये एग्जाम लिया था इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने साइंटिफिक सिस्टम की पोस्ट के लिए। तो पहले 20 क्वेश्चन मैंने सोल्यूशन दे रखे हैं उनके, सॉल्व करवा दिए थे, चैनल पे देख सकते हो आप, वीडियोज अपलोड हो रखी है। तो आज हम करते हैं 21st से लेके 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कम्प्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर। ये सारे क्वेश्चन कम्प्लीट है। ओके, तो आज करते हैं स्टार्ट 21st से। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द चेंज इन एनर्जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें क्या बताया हुआ है। साथ में इसने बता रखा है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है यहाँ पर वो है 436 किलो जूल। इसी तरह 1 मोल ऑफ जो फ्लोरीन है उसके लिए जो एनर्जी है ब्रेक होने के लिए जो चाहिए उसको इस रिएक्शन के अंदर वो है 158 किलो जूल। और बनाना क्या है इसमें, हाइड्रोजन फ्लोराइड, और 1 मोल है जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का उसके लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो है 568 किलो जूल। ठीक है, तो ये सिस्टम है, ये सब बता रखा है इसमें। तो देखो इसके अंदर क्या है, हमने निकालना है टोटल चेंज इन एनर्जी। चेंज इन एनर्जी तो आपको चेंज इन डेल्टा एच, चेंज इन इंथैल्पी है जो चेंज इन एनर्जी वो बतानी है आपको। तो यहाँ पर देखो क्या है, वो क्या होगी, एनर्जी अब्सॉर्ब माइनस एनर्जी रिलीज्ड। क्लियर, ऐसे निकालोगे एनर्जी अब्सॉर्ब माइनस एनर्जी रिलीज। तो यहां पर देखो एनर्जी अब्सॉर्ब है जो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, फ्लोरीन के लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, माइनस एनर्जी रिलीज। तो उसने 1 मोल बता रखा है यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड के लिए जो एनर्जी रिलीज हुई है, और यहाँ पर रिएक्शन में कितने बन रहे हैं, 2 मोल। तो 1 मोल के लिए अगर 568 चाहिए तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 मोल है जो HF का, उसके लिए एनर्जी चाहिए जो रिलीज हो रही है उसकी फॉर्मेशन में है वो 568 किलो जूल। ओके, और अगर 2 मोल बनाने हैं इस रिएक्शन में तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो जितना भी आएगा वो एनर्जी रिलीज जो होगी वो होगी HF के लिए। तो हाइड्रोजन के लिए कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई है, 436। फ्लोरीन को अब्सॉर्ब ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है 158, और जो HF है एनर्जी जो रिलीज हो रही है 1 मोल बनने पे, बट हमें क्या है 2 मोल है यहाँ पर रिएक्शन में, 1 मोल के लिए उसने बता रखी है एनर्जी रिलीज होती है, तो वो होती है 568, 568 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमारे पास क्या है 2 मोल बन रहे हैं तो इसलिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पर, जो आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट यहाँ पर वो आएगा 4 552 किलो जूल। तो ये रहेगा आपका करेक्ट आंसर, बी बी ऑप्शन रहेगा इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉमनली यूज्ड एज फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवरिंग। तो इसके अंदर जो इसका करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल्स एंड एस्टर्स। तो एस्टर्स है जो वो आएगा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि एस्टर की क्या होती है, फ्रूटी स्मेल होती है ना, तो यही यूज होता है एज ए फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया हुआ है, अ बैलून हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 160 लीटर इज फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar एंड इट राइजेस टू 1000 मीटर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0.80 bar अज्यूमिंग कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है और रिलेशन किसमें चेंज हो रहा है, प्रेशर एंड वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कौन सा लगाएंगे हम, बॉयलर। अकॉर्डिंग टू बॉयलर व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। तो यहाँ पर जो है उसकी पहले जो प्रेशर है दे रखा और वॉल्यूम दे रखी है, उसके बाद का प्रेशर दे रखा है, आपने वॉल्यूम निकालनी है, और सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जो राइज हो रही है बैलून जो राइज हो रहा है वो क्या है 1000 मीटर, बट इसका जो कोई इस ये जो 1000 मीटर दे रखा है इसका कोई भी लेना देना नहीं है इसमें, हमने जो रिलेशन दे रखा है पहले वाला और बाद में जो है उसमें से वॉल्यूम निकालनी है। तो अगर देखो सिस्टम बॉयलर के अकॉर्डिंग क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही होता है ना, तो इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हमारे पास क्या है, पहले की इनिशियल कंडीशन है तो फाइनल कंडीशन है, एक ये है इनिशियल ले लो और फाइनल ले लो पीएफ वीएफ। ओके, ये कॉन्स्टेंट रहेगा,
तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास पास रिलेशन क्या आ जाता है, पी वन वी वन पी टू वी टू। तो हमने क्या निकालना है, पी वन वी वन आपको आप पहले का जो प्रेशर एंड वॉल्यूम कंसिडर कर लो, तो पहले का वॉल्यूम कितना है 160, एक आपके पास वॉल्यूम दे रखा है 160 लीटर, और प्रेशर कितना दे रखा है 1 bar, और बाद में जो प्रेशर दे रखा है 180, और वॉल्यूम हमें निकालना है। कुछ नहीं करना था इसमें, 1000 का कोई भी रोल नहीं है। सिंपल क्या करना है, आपने 160 को डिवाइड कर देना है 0.80 के साथ, और यहाँ से आपका जो आ जाएगा 200 लीटर, जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ओके इस क्वेश्चन का। तो 200 लीटर आएगा जो वॉल्यूम है, चेंज आएगा उसमें। इसके बाद पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज अ बफर, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, तो ये बफर की तरह एक्ट करता है, वीक एसिड और उसी का ही जो सॉल्ट होता है उसी को जब उसके साथ मिक्स किया जाता है एक बफर, तो इससे बनता है वीक एसिड प्लस इसका जो सोडियम सॉल्ट है उससे। सेकेंड ऑप्शन है ये वाला ओके अमोनियम एसिटेट, तो ये भी बफर की तरह एक्ट करता है क्योंकि ये किससे बना हुआ है, वीक एसिड एसिटिक एसिड और प्लस अमोनिया, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है और इससे बनता है CH3CO- NH4+। ओके तो ये भी बफर की तरह एक्ट करता है। NaCl तो सॉल्ट है, सिंपली सॉल्ट दे रखा है तो ये बफर नहीं होता है। बफर के लिए एक एसिड होता है जहाँ बेस होता है, प्लस में क्या होता है उसका कोरिस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाया जाता है ओके, जैसे वीक एसिड और उसका सॉल्ट ओके, वो सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड से। और इसी तरह हमारे पास यहाँ क्या है, वीक बेस दे रखा है और उसका सॉल्ट बना रखा है स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो इस तरह अब हमारे पास क्या है, ये वाला भी जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी हमारे पास बफर है। तो इस ऑप्शन के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर बफर बताना था, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, सेकंड और फोर्थ, ये तीनों ही बफर की तरह एक्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ बी जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट देखो, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखा है, अमाइन प्राइमरी अमाइन दे रखा है, सोडियम नाइट्राइड दे रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड वाटर। तो फिर इसमें ध्यान से देखोगे ये रिएक्शन आसान ही है वैसे तो। यहाँ पर क्या होता है, सोडियम नाइट्राइड है जो, और एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है, यहां से हमें मिलता है नाइट्रोसोनियम आयन NO+, नाइट्रोसोनियम आयन ये मिलता है ओके। क्या होता है, सबसे पहले सोडियम नाइट्राइड एच पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग एसिड का है लाइक HCl ओके, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, हमारे पास बाय प्रोडक्ट निकलता है एक वाटर, एक NaCl, और प्लस में क्या बनता है नाइट्रोसोनियम आयन ये होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पास जो अमाइन है ये रिएक्ट करती है, ये नाइट्रोसोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है। देखो मैं करके दिखा देती हूँ इसमें, ये स्ट्रक्चर होती है नाइट्रो सोनियम आयन की, ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा इस नाइट्रोजन के ऊपर, आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। उसके बाद देखो यहाँ पर ये एक एच इधर से चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर NH डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, अभी भी रिएक्शन के अंदर HCl तो प्रेजेंट है ही ना, तो वापिस से वो H पॉजिटिव किसको मिल जाता है, इस ऑक्सीजन यहाँ पर कर देती हूँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये वाला H इधर से जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम स्टेप आएगा HCl का, वापिस से क्या होगा, एक H पॉजिटिव फिर से इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो रिएक्ट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा H2 पॉजिटिव, ये यहाँ से रिलीज होगा, जैसे यहाँ से रिलीज होगा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसकी नेक्स्ट स्टेप में ये वाला लोन पेयर है जो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ इस वाली नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद यहाँ से
नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी और यहां पर आ जाएगा कार्बोक्टाइन। इसके बाद जो मेन स्टेप है वो क्या होगा, यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन होगी। ओके, रिंग एक्सपेंड हो जाएगी और ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, प्राइमरी कार्बोक्टाइन, तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और हमारे पास क्या मिल जाएगा रिएक्शन के अंदर, इसके अंदर क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी कार्बोक्टाइन, क्योंकि सेकेंडरी कार्बोक्टाइन मोर स्टेबल होता है ना, तो प्राइमरी की जगह पर सेकेंडरी बन जाएगा। और लास्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, वाटर। ओके, तो वाटर का जो ओ एच नेगेटिव है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला। ओके, तो यो जो ए ऑप्शन है वो रहेगा इसमें करेक्ट आंसर। तो अल्कोहल बनेगा, ये प्रोडक्ट है इसमें। नेक्स्ट देखो 26 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिप टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्यूबिक है वो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ही है उसकी, टेट्रागोनल की भी और मोनोक्लिनिक की भी, और इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है ऑक्टागोनल, तो इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के टाइप का नहीं है, तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है, हमने क्या पूछा हुआ था इसमें, जिसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसमें सी ऑप्शन की नहीं है, तो ये वाला करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन फिर से उसने कौन सी दे दी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। देखो इसी रिएक्शन को इसमें सेकेंड टाइम दिया, जो पहले 10 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर के उसमें भी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन पूछी थी उसने, वापिस से इसी रिएक्शन से उसने क्या किया, सबस्ट्रेट चेंज करके फिर से यही रिएक्शन पूछ रही। इट मीन अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें से हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था पहले जो 10 क्वेश्चन अपलोड कर रखे हुए हैं उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, इसमें भी दे दूंगी इस रिएक्शन में, तो मैंने पहले ही ये वाली रिएक्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन करा रखी है, इसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करा रखा है। तो इसमें क्या होता है, अमाइड से क्या बनता है, प्राइमरी अमीन प्रोडक्ट बनता है, तो इसके अंदर देख लो, आप वहीं से देख लेना ये वाला, इसका मैकेनिज्म अगर देखना है आपने इस रिएक्शन का, तो इस 4 ऑप्शन के अंदर जो अमीन बन रहा है वो आपका सी ऑप्शन के अंदर बन रहा है, तो इसका सी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर है। ओके, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखो 28, द हीट अब्सॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर बच्चे अगर जो हीट रिलीज होती है या अब्सॉर्ब होती है तो उसको इंथैल्पी बोला जाता है, तो इसका ए ही ऑप्शन था। बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है। ओके, अगर आपने बेसिक ही पढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा डीपली तो पूछता ही नहीं है, तो आपका आसानी से ही हो जाएगा अगर आपने बेसिक ही पढ़ रखा है तो ये थर्मोडायनेमिक्स से देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट होती है उसको इंथैल्पी बोला जाता है, चाहे वो अब्सॉर्ब हो रही है चाहे रिलीज हो रही है। ओके, तो इसका ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक किसके होते हैं, प्रोटीन से। ओके, प्रोटीन किससे बनती है, अमाइनो एसिड से। ओके, तो इसका आंसर जो सी आएगा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द फिनोमेना इन विच अ सब्सटेंस अब्सॉर्ब्स लाइट एट वन वेवलेंथ एंड एमिट लाइट एट अनदर वेवलेंथ। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिसेंस के अंदर होता है, उसमें जो लाइट अब्सॉर्ब की जाती है, जो हम रेंज उसको देते हैं अब्सॉर्प्शन के लिए, वो अलग होती है, और जो अमिट करता है उसके बाद हमारे पास फाइनल स्पेक्ट्रा मिलता है, अमिशन की जो लाइट होती है वो उसकी वेवलेंथ होती है जो वो अलग होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लोरिसेंस। ओके, तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। अगर कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं ना, मैं वहां पर देखूंगी और रिस्पॉन्स कर दूंगी आपको वहां पर। और अगर कुछ भी समझ आया है, कुछ भी समझ आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, जो कि आप हमेशा भूल ही जाते हो, और बने रहो चैनल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।